क्लास टेंथ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन है, इफ़ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द एपी 0 हमें कौन निकालना है, कौन सा टर्म 0 है। तो सॉल्यूशन लेते हैं, a3 इक्वल टू हमारे पास 4 है, इसको लिख सकते हैं a+2d इक्वल टू 4 और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब इसी तरह से a9 दे रखा है हमारे पास, a9 इक्वल टू -8, तो इसको लिखेंगे a+8d इक्वल टू -8 और इसको 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन 2। अब लिखते हैं a+8d इक्वल टू -8 और इसके नीचे लिखा a+2d इक्वल टू 4। अब इसके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो प्लस था वो माइनस हो जाना है नीचे वाले, ठीक है। तो एक ए प्लस का और दूसरा ए माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, 8d में से 2d माइनस किया 6d, और इसी तरह से 8 भी माइनस का और 4 भी माइनस का, तो हो गया -12। तो d इक्वल टू -12/6, ये कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 6 2 12, तो d का वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया -2। अब क्या करना है कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a+2d इक्वल टू 4, तो a+2 इंटू डी का वैल्यू हमने निकाला -2 इक्वल टू हो गया 4, तो ये हो जाएगा a-4 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4+4, चूंकि इधर माइनस था तो इस साइड आएगा तो प्लस का 4, तो a इक्वल टू निकल के आ गया 8। अब हमें निकालना है कि कौन सा टर्म 0 है, तो मान लिया ए एन क्या है 0 है, तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे a+n-1d इक्वल टू 0, तो ए की जगह ए का वैल्यू पुट कर देना है, तो 8 और प्लस एन माइनस वन हमें पता नहीं है, और डी के जगह पे डी का वैल्यू पुट कर देंगे -2 इक्वल टू हो गया 0। तो अब 8 इस साइड प्लस में, दूसरे साइड ले जाएंगे माइनस का, जो बचा इधर लिखते हैं n-1 × -2 इक्वल टू, ये हो जाएगा -8, n-1 = -8/-2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 4 8, तो n इक्वल टू हो जाएगा 4+1, तो n इक्वल टू हो गया 5। तो लिख सकते हैं सो द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 0, आंसर हो गया हमारा फिफ्थ टर्म। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।